दिल्ली में प्रदूषण रोकने के लिए एक बार फिर अरविंद केजरीवाल सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली में एक बार फिर से ओड और इवन फॉर्मूला लागू होगा। 4 नवंबर से 15 नवंबर तक ओड इवन फॉर्मूला दोबारा से लागू किया जाएगा। इसकी घोषणा करते हुए सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि प्रदूषण से जंग एक बड़ी लड़ाई है, इसके लिए ओड इवन बेहद जरूरी है। अरविंद केजरीवाल ने ये अपील भी की है कि दिवाली पर लोग दिल्ली में पटाखे ना जलाएं। हर वार्ड में 2 पर्यावरण मार्शल नियुक्त किए जाएंगे। प्रदूषण से लोगों को लड़ने के लिए मास्क भी बांटे जाएंगे। ये सब घोषणाएं सीएम अरविंद केजरीवाल ने की हैं। साथ ही सीएम केजरीवाल ने ये भी कहा कि प्रदूषण की शिकायतों के लिए वॉर रूम भी बनाए जाएंगे। सीएम केजरीवाल ने कहा कि नवंबर में दिल्ली के आसपास के राज्यों में पराली जलाई जाती है, जिससे दिल्ली गैस चैम्बर बन जाता है। इसलिए एक बार फिर ओड इवन फॉर्मूले को लागू करने का फैसला लिया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि हम प्रदूषण को रोकने के लिए केंद्र और पंजाब सरकार के साथ अपने स्तर पर काम कर रहे हैं। हम भी हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठ सकते हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पर्यावरण सुधार के लिए लोगों को पेड़ लगाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। दिल्ली सरकार ने साथ ही कहा कि लोगों को पौधे देंगी, एक नंबर देंगे जिस पर कॉल करके लोग पेड़ पौधे मंगवा सकते हैं। साथ ही सर्दियों में लोग आग सेकने के लिए लोग जगह जगह आग जलाते हैं। पर्यावरण मार्शल इस पर निगरानी रखेंगे। 15 जगहों पर प्रदूषण ज्यादा है, यहाँ पर कुछ खास प्लान तैयार किए जाएंगे। सीएम केजरीवाल ने कहा कि छोटी दीपावली के दिन बड़ा चेंजर शो रखेंगे, जिसमें दिल्ली के लोगों को बुलाया जाएगा। इसके बाद पटाखे जलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अरविंद केजरीवाल ने नए मोटर व्हीकल एक्ट की तारीफ करते हुए कहा कि इसके लागू होने से काफी सुधार आया है, लोग नियमों का पालन कर रहे हैं, हम इस पर नजर रख रहे हैं। अगर आगे चलकर लोगों को ज्यादा परेशानी हुई तो हम ऐसा कोई क्लोज निकालने की कोशिश करेंगे जो लोगों की परेशानी को थोड़ी कम कर सके। SPN9 न्यूज के लिए मैं ब्रह्मांश यादव। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज।